वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लंबी छलांग लगाते हुए वर्ष 2006 से ही प्रदेश के कर्मचारियों को 4/9/14 के वित्तीय लाभ देने की बात कही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वित्तीय लाभ कर्मचारियों को नहीं दिए। ये बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कामगार कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जिला कांगड़ा अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने धर्मशाला में जिला कांगड़ा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 तक भाजपा की सरकार के दौरान उन्होंने ही कर्मचारियों के लिए 4/9/14 का मुद्दा उठाया था और उस दौरान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2009 में ही कर्मचारियों को 4/9/14 के वित्तीय लाभ दिए जाने थे। घनश्याम शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो बात वर्ष 2012 के घोषणा पत्र में कर्मचारी समाज को लेकर की थी अब उसे दोबारा वर्ष 2017 के घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री वी विजय सिंह से ये पूछना चाहते हैं कि वह कब तक प्रदेश के कर्मचारियों को मूर्ख बनाने का कार्य करते रहेंगे। पूर्व कर्मचारी नेता घनश्याम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2012 से 17 के कार्यकाल में जो वित्तीय लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने थे उन्हें भी 80% तक छीन लिया है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर 4/9/14 के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। पूर्व कर्मचारी नेता ने नई पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उनकी सिफारिशों को पीएमओ कार्यालय को भेजा जाएगा और वहां से सामूहिक निर्णय निकालकर प्रदेश के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारी वर्गों को चाहे वो आउटसोर्सिस पुरानी पेंशन नई पेंशन अथवा पेंशनरों को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बनने वाली सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को लाभान्वित किया जाएगा। 2007 से 2012 के बीच में हमारी सरकार थी जब 4/9/14 का ये भूत अगर आप पिछला तमाम अखबारों का और मीडिया का रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो ये 4/9/14 का भूत मैंने ही खड़ा किया था। रोज मैं राजनीति के अंदर रह करके भी 4/9/14 के ऊपर बोलता था और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2012 में हमने बोर्ड बनाया और उस बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने 2009 से 4/9/14 का ग्रेड प्रदेश के कर्मचारियों को दे दिया। जब 2012 में दोबारा चुनाव आए और पार्टियों का अपना अपना घोषणा पत्र आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर थोड़ा लंबी छलांग मारी कि हम 2006 से ही दे देंगे प्रदेश के कर्मचारियों को 4/9/14। बड़ी हैरानी की बात है कि पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी ने निर्विघ्न पूरा किया और 5 वर्ष के बाद जब उनका दोबारा घोषणा पत्र आया तो जो 2012 में उनके घोषणा पत्र में कर्मचारी समाज को लेकर के था वही 2017 के घोषणा पत्र में आ गया। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से और मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप कब तक जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। 2012 के घोषणा पत्र में आया, 5 साल में नहीं दिया, बल्कि जो मिलता था उसको भी 80% लोगों से छीन लिया। हमारी घोषणा पत्र अभी भी है और हमारा बिल्कुल तटस्थ ये हमारे मुख्यमंत्री जी का तटस्थ स्टैंड है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी प्रदेश के कर्मचारियों को 4/9/14 का वित्तीय लाभ पंजाब के आधार पर दिया जाए। और सर, न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर आपका क्या स्टैंड? न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर हमारी पार्टी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक इसके लिए कमेटी बनेगी और उस कमेटी की सिफारिशें जो है वो पीएमओ ऑफिस को जाएगी और वहां से इसके लिए सामूहिक निर्णय निकाल करके प्रदेश के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारी वर्गों को चाहे वो आउटसोर्सिंग में हो, चाहे वो पुरानी पेंशन में के तहत हो, चाहे नई पेंशन के तहत हो, चाहे पेंशनर हो, ये सरकार जब ये बनेगी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में तो प्रदेश के हर वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा, ऐसा हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।